उत्पत्ति अध्याय पांच, उत्पत्ति अध्याय पांच, आदम की वंशावली। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपनी ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल को जन्म दिया और महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने एरेद को जन्म दिया और एरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और महललेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया और हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और एरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और मतुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में आए और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया।